नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 13 मार्च 2023 दिन सोमवार, चैत मास, कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, 9:27 PM तक रहेंगे। उपरांत सप्तमी तिथि का आगमन हो जाएगा। नक्षत्र विशाखा रहेंगे 8:21 AM तक। उपरांत शनि के अनुराधा नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे पूरे दिन। आज 5:03 AM पर मंगलदेव ट्रांजिट करेंगे और चले जाएंगे अपने शत्रु राशि मिथुन में। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:07 PM से लेकर 12:55 PM तक। अमृतकाल 9:53 PM से लेकर 11:28 PM तक। राहुकाल 7:30 AM से लेकर 9 AM तक। रात्रि राहुकाल 7:27 PM से लेकर 8:57 PM तक। आज संकटी चतुर्थी भी है, गृह प्रवेश का भी आज मुहूर्त है। गृह प्रवेश का मुहूर्त रात्रि 9:27 PM से लेकर 14 मार्च 6:33 AM तक है। वाहन खरीदने का भी आज शुभ मुहूर्त है, 9:21 AM से लेकर 7:25 PM तक का वाहन खरीदने का अच्छा मुहूर्त है। आज के दिन उद्धम सिंह 1940 ईस्वी में डायर को गोली मारकर जल्लियांवाला कांड के नरसंहार का बदला लिया था। 2004 में आज के ही दिन प्रसिद्ध वादक उस्ताद विलायत खां का निधन हुआ था। तो उस्ताद विलायत खां को श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए आज का राशिफल शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेष राशि। चंद्रदेव आपके बैठे हुए हैं अष्टम स्थान पर। अब पूरे दिन चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में रहेंगे वृश्चिक राशि में। आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा 8:21 के बाद चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि हैं, और आपको लोहे के काम से, मिनरल्स के काम से, माइंस के काम से काफ़ी फायदा होने का जा रहा है। ट्रांसपोर्टिंग के काम से काफ़ी फायदा होने जा रहा है। प्रशासन से आपको काफ़ी फायदा होने जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी फायदा होने जा रहा है। फाइनेंस से आपको काफ़ी फायदा होगा। लव अफेयर्स में जो पड़े हुए हैं उनके के लिए भी अच्छा समय है, और जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं उनके के लिए भी अच्छा समय है। मंगल ट्रांजिट कर चुके हैं आज सुबह 5:03 में आपके तृतीय स्थान पर मिथुन राशि में। अब मंगल मृगशिरा नक्षत्र के ही हैं। यात्रा का योग होगा और यात्रा से भी आपको लाभ होंगे, लेकिन यात्रा अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएंगे। लेकिन आज के दिन यात्रा करना बहुत ही शुभ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम में है। 9:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय, ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार समय है। हर तरफ से लाभ होने की स्थितियाँ आपकी बनती हैं। जो भी काम करेंगे आपको फायदा होगा, विशेष करके लोहे का काम में फायदा होगा, मिनरल्स में फायदा होगा, माइंस के काम में फायदा होगा, ट्रांसपोर्टिंग के काम में फायदा होगा, इंजीनियरिंग सेक्टर से फायदा होगा, जो लेबर सप्लाई का काम करते हैं उनको फायदा होगा, जो व्यक्ति बिल्डर हैं उनको फायदा होगा। तो बड़ा ही अच्छा समय है आपके लिए ये। 12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय, ये समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जो व्यक्ति विशेष करके ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति वकील हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। एजुकेशन वाले के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है ये। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय, पार्टनरशिप के व्यापार से काफ़ी लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को काफ़ी लाभ होगा, जो विदेश से काम करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो योग गुरु हैं आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय,
काफ़ी रोमांटिक रहेंगे इस समय आप, नए वस्त्र, नए इत्र, अच्छे अच्छे होटल में खाना खाना, अच्छे पहनावा करना, ये समय आपके लिए बहुत ही रोमांटिक समय है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले, राहु बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो महिलाओं से अच्छे ढंग से पेश आए, महिलाओं का अपमान न करें, किसी भी तरह के अनैतिक संबंध से दूर रहें। मेष राशि वाले, आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी, अशुभ अंक है आपका एक। आज के दिन आप शिवालय जाएं और अनार का रस शिवलिंग पर चढ़ावे, अनार का रस, और वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम। तथा साथ ही साथ लक्ष्मी जी के आप मंत्रों का वहीं बैठकर जाप करें, ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम, ओम महालक्ष्मीये नमः, ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम, ओम महालक्ष्मीये नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपको शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान पर, चंद्रमा 8:21 के बाद अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे, 8:21 सुबह से मंगल ट्रांजिट करके आपके द्वितीय स्थान में चले गए हैं, शनि मंगल के ही नक्षत्र में है। जो व्यक्ति वकील है उनको काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति दवा के व्यापारी हैं उनको लाभ होगा, जो व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर में है उनको लाभ होगा, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है उनको लाभ होगा, खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी। महिलाओं से थोड़े से आपको झंझट हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में थोड़े से तनाव रह सकते हैं। बिजनेस के लिए आज का समय काफ़ी अच्छा है, रोमांस के लिए समय काफ़ी अच्छा है, लिविंग रिलेशन के लिए समय कहीं से अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी आपको, स्वास्थ्य आपका ढीला रह सकता है, आँख में प्रॉब्लम आपको हो सकता है। 8:30 एम से लेकर 12:10 पीएम तक का समय कार्य क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करनी होगी, जो वकील हैं उनके लिए शानदार समय है, कार्य क्षेत्र की मेहनत से आपको काफ़ी लाभ होगा। 12:10 पीएम से लेकर 3:34 पीएम तक का समय ग्रोसरी के व्यापार से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है, फाइनेंस सेक्टर में जो है उनको काफ़ी लाभ होगा, एजुकेशन सेक्टर में है काफ़ी लाभ होगा, कंप्यूटर उद्योग से जुड़े हुए हैं काफ़ी लाभ होगा। 3:34 पीएम से लेकर 5:01 पीएम तक का समय थोड़े से कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है, मन थोड़ा सा भ्रमित रहेगा, भ्रम में आप ज़्यादा रहेंगे, चिंताएं ज़्यादा सताएंगी आपको, तो ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। 5:01 पीएम से लेकर 9:01 पीएम तक का समय खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी, फैशन के काफ़ी सामान आप खरीद सकते हैं, जो व्यक्ति सिंगर हैं उनके के लिए काफ़ी अच्छा समय है, लेकिन जो व्यक्ति जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं उनके के लिए कहीं से अच्छा समय नहीं है। आज के दिन वृषभ राशि वाले, आपके लिए शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है आपका 8। आज के दिन शिवालय जाएं, शिवलिंग पर दही चढ़ावें, साथ में उजले मिठाई का भोग लगावें और वहीं पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें, ओम जुं शह मा पाले पाले, ओम जुं शह मा पाले पाले, ओम जुं शह मा पाले पाले। आज चतुर्थी है, संकटी चतुर्थी भी है, गणेश जी के मंदिर आप जरूर जाएं, बहुत सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे, मोदक चढ़ावें और साथ ही साथ दूर्वा चढ़ावें और वहीं बैठकर गणेश जी का 108 नाम का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, 8:21 के बाद सुबह 5:03 में मंगलदेव ट्रांजिट करके आपके चले गए हैं, मिथुन राशि में आप ही की राशि में चले गए हैं, थोड़े से ध्यान रखना है आपको, गुस्सा ज़्यादा आएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, जमीन जायदाद को लेकर झंझट भी कर सकते हैं आप, तो थोड़े से सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा भी छठे स्थान में बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति बेरोजगार हैं आज के दिन रोजगार मिलने की संभावनाएँ हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, मेहनत काफ़ी करनी होगी लेकिन आपका मेहनत का फल काफ़ी अच्छा मिलेगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होगा। जो व्यक्ति लव अफेयर्स में है उनके के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, उनका लव अफेयर्स टूट सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी पैदा हो सकती है,
जो लिविंग रिलेशन में है उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो व्यक्ति विशेष करके ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, ब्यूटी का दुकान चलाती हैं, फिल्मों में काम करती हैं, मॉडलिंग करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। रेडीमेड गारमेंट्स वाले के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। होटल व्यापारी के लिए समय काफ़ी अच्छा है। 8:30 एम से लेकर 12:10 पी एम तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन वाहन सावधानी से आपको चलाने की ज़रूरत है। छोटे मोटे घटना दुर्घटना का योग है। इस समय आप किचन में जाने से बचें, बिजली से बचें, तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। लेकिन समय अच्छा है। जो व्यक्ति वकील है उनके लिए काफ़ी शानदार समय है। 12:10 पी एम से लेकर 3:34 पी एम तक का समय, ये समय भी बहुत अच्छा है आपका। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, ग्रोसरी के व्यापार से काफ़ी लाभ होगा, जो स्कूल के बिजनेस से हैं काफ़ी लाभ होगा, जो टीचिंग के काम करते हैं काफ़ी लाभ होगा, ये समय आपका काफ़ी अच्छा है। 3:34 पी एम से लेकर 5:01 पी एम तक का समय, जो व्यक्ति स्टूडेंट हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। विदेश जाने की स्थिति में आप आ सकते हैं, विदेश में आपके अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए समय काफ़ी अच्छा है आपका। 5:01 पी एम से लेकर 9:01 पी एम तक का समय, ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप इस समय जो काम करेंगे, जैसे काम करेंगे, सारे काम में आपको सफलता मिलेगी। स्त्रियों से भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं, तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा है। मिथुन राशि वाले, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रंग है चमकीला रंग, आपके लिए बड़ा ही सुंदर रंग है आज का, और 6 आपके लिए बड़ा ही शुभ अंक है। आज के दिन आप सबसे पहले गणेश जी का 108 नाम जाप करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, और आज के दिन बजरंग बाण का आप जरूर पाठ करें। 1 लोहे के बाल्टी से पानी किसी भी लाल गाय को पिलावे, बहुत ज्यादा फायदा होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके पंचम स्थान पर वृश्चिक राशि में, और चंद्रमा आपके 8:21 तक रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, तो समय बहुत अच्छा रहेगा। 8:21 सुबह के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, समय बहुत अच्छा आपका नहीं रहेगा। शनि अच्छे ग्रह नहीं है आपके, शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी है, शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी है, शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। जीवन साथी से काफ़ी तनाव रहेगा, काफ़ी अलगाव की स्थिति जीवन साथी से रहेंगे आपके। जमीन जायदाद के काम से आपको नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जो पुलिस सेवा में है उनको नुकसान होगा, जो प्रशासन में है उनके लिए भी अच्छा समय नहीं है, जो एजुकेशन सेक्टर में आपके लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन जो फिल्मों में काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय है, जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय है, जो ब्यूटी पार्लर महिलाएं चलाती है आपके लिए अच्छा समय है, जो बुटीक चलाते हैं आपके लिए अच्छा समय है, इलेक्ट्रॉनिक से काम करने वाले के लिए काफ़ी अच्छा समय है, योग गुरु के लिए काफ़ी अच्छा समय है। 8:30 एम से लेकर 12:10 पी एम तक का समय, ये समय कहीं से भी अच्छा नहीं है। हर काम को सोच समझ के करें, बिना मतलब के झंझट ट्राई करने से फ़ायदा नहीं है। जमीन जायदाद से काफ़ी नुकसान होगा, वाहन सावधानी से चलावें, ये समय बिल्कुल ही अच्छा नहीं है आपका। 12:10 पी एम से लेकर 3:34 पी एम तक का समय, ये समय भी बहुत अच्छा नहीं है। काफ़ी सुस्त रहेंगे आप, कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहेंगे, गुस्से का प्रकोप ज़्यादा रहेगा। इस समय भी वाहन बिल्कुल सावधानी से चलावें, किचन में जाने से बचें। 3:34 पी एम से लेकर 5:01 पी एम तक का समय, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबारी हैं उनको अचानक बहुत लाभ होगा। जो व्यक्ति मिनरल्स का काम करते हैं, जो व्यक्ति माइंस का काम करते हैं, आपके लिए समय बहुत ही शानदार है। 5:01 पी एम से लेकर 9:01 पी एम तक का समय बहुत अच्छा समय नहीं है आपका, काफ़ी उलझन में रहेंगे, दाम्पत्य जीवन से काफ़ी तनाव की स्थिति रहेगी। हर काम सोच समझ के करें, आज का दिन कहीं से भी अच्छा नहीं है। आज के दिन शिवालय जाएं, शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध और केसर मिला के चढ़ावें, वहीं बैठ के इस मंत्र का जाप करें। ओम जुं शं मा पाले पाले, ओम जुं शं मा पाले पाले,
तथा गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को 108 नामों का जाप करें। आज के दिन आपका हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना काफ़ी उपयुक्त होगा। कर्क राशि वाले, आपके लिए पीला रंग सर्वश्रेष्ठ रंग है और 3 का अंक आपके लिए शुभ अंक है। दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा 8:21 सुबह तक रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। 8:21 तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। 8:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि है। शनि आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़े से पिता से थोड़े से नैतिक मतभेद रह सकते हैं। बहन या बुआ से भी नैतिक मतभेद आपको रह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़े से आपको प्रॉब्लम रह सकते हैं। इस समय बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, आपको जीवन साथी से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपका मान सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा। मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। मंगल ट्रांजिट कर चुके हैं आज के दिन मिथुन राशि में, तो जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। जो व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करते हैं, जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है, जो व्यक्ति लकड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं काफ़ी लाभ होगा। जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन वाहन सावधानी से चलानी है आपको। 8:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय, ये समय जीवन साथी से ज़्यादा तकरार की समय होगी। आप भी काफ़ी सुस्त रहेंगे, लेकिन एग्रेसिव आप काफ़ी रहेंगे। लोहे के व्यापारी को फायदा होगा, जमीन जायदाद का जो काम करते हैं फायदा होगा, जो व्यक्ति इलेक्ट्रिक का काम करते हैं उनको फायदा होगा, जो प्लाईवुड से जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा। लव अफेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा समय नहीं है, लव अफेयर्स टूटने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। जो व्यक्ति लिविंग रिलेशन में रहते हैं, आज के दिन अपने पार्टनर के साथ शादी ब्याह भी कर सकते हैं। 12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय, व्यापार से इस समय लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो स्कूल का व्यापार करते हैं उनको लाभ होगा, जो व्यक्ति फाइनेंस से जुड़े हुए हैं उनको लाभ होगा, जो कंप्यूटर उद्योग से जुड़े हैं उनको लाभ होगा, जो पत्रकार हैं उनको लाभ होगा। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय, ये समय आपके थोड़ा सा यात्रा का समय है, लेकिन चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो आज के दिन यात्रा का हर प्रोग्राम स्थगित करें। यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है। विदेश से आपको थोड़े से इनकम इस समय हो सकते हैं। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक, जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जो व्यक्ति धर्म गुरु हैं उनको लाभ होगा। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय, ये समय आपका काफ़ी शानदार है। व्यापार से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। साथ ही साथ जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, श्रृंगार की दुकान चलाती हैं, ब्यूटी का काम करती हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। फिल्मों में काम करने वाले को काफ़ी लाभ होगा, जो गायक गायिका हैं काफ़ी लाभ होगा, लेकिन बिचौलियों से आपको बचना होगा। सिंह राशि वाले, आपके लिए शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है आपके लिए 9। आज के दिन आप सूर्य को जल चढ़ावे, गणेश जी का 108 नाम का जाप करें। साथ ही साथ आज के दिन दुर्गा सप्तशती का इस मंत्र का जाप करना न भूलें। शर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम त्वम कार्यम अश्वत भैरी विनाशनम। शर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम त्वम कार्यम अश्वत भैरी विनाशनम। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके तीसरे स्थान पर और चंद्रमा 8:21 तक रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में। समय अच्छा है। 8:21 AM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में। फिर भी समय आपका अच्छा रहेगा, शत्रुओं का समन होगा, काफ़ी कर्मठ दिखेंगे आप। जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है, जो व्यक्ति प्रशासन में है, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो व्यक्ति बिल्डर है, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो दवा का व्यापारी है, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहनी है आपको। जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं है, जो बुटीक चलाती हैं उनके लिए भी अच्छा समय नहीं है। लव अफेयर्स के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं उनका रिलेशन टूट सकता है। 8:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय, शत्रुओं का समन होगा। साथ ही साथ जो लोहे का काम करते हैं, जो
इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। 12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय है ये समय। फाइनेंस वाले के लिए बड़ा ही अच्छा समय है, जो कंप्यूटर उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो स्कूल के कार्य बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय है। ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है आपका, पैटर्नल प्रॉपर्टी में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन ज़मीन जायदाद का काम करने वाले के लिए अच्छा समय है। जो व्यक्ति वकील हैं, आपके लिए पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा है। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय, ये समय बहुत अच्छा नहीं है। खर्च का काफ़ी प्रकोप रहेगा, काफ़ी खर्च करेंगे, जिसके कारण आपको आगे जाकर परेशानी हो सकती है। EMI पर भी सामान खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। कन्या राशि वाले, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रंग है पीला और सर्वश्रेष्ठ अंक है आपके लिए 2। आज के दिन आप गणेश जी का 108 नामों का जरूर जाप करें, और साथ ही साथ आज के दिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें और दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें। विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमाश्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमाश्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, जो आपके द्वितीय स्थान की राशि है, और चंद्रमा 8:21 तक रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, 8:21 सुबह तक। अब बृहस्पति आपके छठे में बैठे हुए हैं, थोड़े से संभल के काम करने हैं। 8:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, शनि आपके पंचम में बैठे हुए हैं, शनि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके नवम में बैठे हुए हैं। बड़ा ही शानदार समय आ जाएगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो रेलवे का परीक्षा दे रहे हैं, जो पुलिस सेवा का परीक्षा दे रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उन सब के लिए समय काफ़ी अच्छा है। हायर एजुकेशन में एडमिशन होने का समय काफ़ी प्रबल है। जो व्यक्ति मेडिकल में जाना चाहते हैं, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। 8:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय, ये समय काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मेहनत करनी होगी, मेहनत का फल आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। लोहे के व्यापारी के लिए काफ़ी सुंदर समय है। एजुकेशन से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो व्यक्ति मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, कैश क्रॉप से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, आपके लिए समय बहुत ही शानदार है। 12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय, ये समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ग्रोसरी के व्यापारी को काफ़ी लाभ होगा। आज सुबह 5:03 पर मंगल ट्रांजिट करके आपके नवम भाव में चले गए हैं, और मंगल अपने ही नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र में है, तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, कहीं से बुरा समय नहीं है। घटना दुर्घटना का जो योग चल रहा था वो सब खत्म हो चुका है। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय, ये समय विशेष करके थोड़ा सा मन आपका बेचैन जरूर रहेगा, थोड़े से सुस्त नजर आएंगे आप, लेकिन जो व्यक्ति योग गुरु हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय, ये समय बहुत ही शानदार है आपका। हर काम आपका बड़ा ही नियोजित ढंग से होगा। जो युवा युवती शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, आज के दिन करेंगे ही। तो तुला राशि वाले, आपके लिए हरा रंग सर्वश्रेष्ठ रंग है और 8 का अंक सर्वश्रेष्ठ अंक है आपके लिए। आज के दिन आप गणेश जी का 108 नाम का जाप करें, और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संसिता नमस्तस्ये नमतस्ये नमतस्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संसिता नमस्तस्ये नमतस्ये नमतस्ये नमो नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव आप ही की राशि पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा 8:21 तक बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, जो काफी आपको लाभदायक रहेगा। 8:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनि के अनुराधा नक्षत्र में, शनिदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, शनि मंगल के नक्षत्र में, मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं, घटना दुर्घटना का योग लगा हुआ है, वाहन सावधानी से चलावें। जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं, पहले से सोच समझ के काम करें, बिना सोचे समझे कोई काम ना करें आप।
खान पान पर आप विशेष ध्यान दें, आपके लिए समय अच्छा नहीं है, संतान को लाभ होगा, संतान के विदेश जाने की भी संभावनाएं प्रबल हैं, संतान के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। 8:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, व्यापार में लाभ होगा, कर्म के क्षेत्र में काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे, लोहे के व्यापारी को काफ़ी फायदा होगा, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, लेकिन जो व्यक्ति वकील हैं आपके लिए समय अच्छा नहीं है, जो व्यक्ति प्लाईवुड का काम करते हैं आपके लिए समय अच्छा नहीं है। 12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय, ये समय ग्रोसरी के व्यापारी के लिए काफ़ी अच्छा समय है, जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए अच्छा समय है, जो कंप्यूटर का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय है, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े व्यक्तियों के लिए अच्छा समय है, जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं आपके लिए काफ़ी शानदार समय है। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय, ये समय कहीं से भी अच्छा नहीं है, माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने होंगे, मानसिक तनाव रहेगा, विदेशों से भी अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, जो विदेश से विशेष करके लाइजनिंग का काम करते हैं, चाहे जो व्यक्ति विदेश से इंश्योरेंस सेक्टर का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय है, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी के लिए अच्छा समय होगा। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय, ये समय खर्च ही खर्च का समय होगा, महिलाओं से आपको झंझट हो सकते हैं, महिलाओं पर अत्यधिक पैसे खर्च हो सकते हैं, तो खर्चा का ज़्यादा हिसाब किताब रहेगा, किसी भी महिलाओं से झंझट लड़ाई हो सकती है, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी से भी धोखा खा सकते हैं। तुला राशि वाले, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रंग है हरा और सर्वश्रेष्ठ अंक है 8। आज के दिन आप शिवालय जाएं, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ावें और वहीं बैठकर जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम, साथ ही साथ माँ गौरी के भी मंत्रों का जाप करें, ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धर्तैम, ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धर्तैम, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके बाड़मे में वृश्चिक राशि में, आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा करना आपके लिए उचित नहीं होगा, यात्रा से काफ़ी आपको नुकसान हो सकते हैं, मन भी काफ़ी आपके परेशान रहेंगे, चंद्रमा 8:21 तक रहेंगे आपके बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति देव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ में, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। 8:21 AM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि है, विदेशों से अच्छा खासा लाभ होगा, जो व्यक्ति मशीनरी का काम करते हैं, जो व्यक्ति विशेष करके इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो मिनरल्स का काम करते हैं, जो माइंस का काम करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, जो प्रशासन में है उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, जो व्यक्ति वकील हैं आपके लिए शानदार समय है, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले चाहे ब्यूटी पार्लर चलाने वाले के लिए भी आज बेहतर समय है। 8:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय, ये समय विदेशों से काफ़ी लाभ होने का समय है, इंजीनियरिंग सेक्टर में काफ़ी लाभ होने का समय है, जो रेलवे में है उनके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा, ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाले के लिए काफ़ी अच्छा समय है। 12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय, ये समय ग्रोसरी के व्यापारी के लिए काफ़ी अच्छा समय है, जो व्यक्ति कैश क्रॉप का काम करते हैं आपके लिए भी अच्छा समय है, स्कूल के व्यापारी के लिए काफ़ी अच्छा समय है, पत्रकार बंधु के लिए काफ़ी अच्छा समय है, बहुत सारे पत्रकार बंधु आज विदेश भी जा सकते हैं। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय, ये समय इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी को काफ़ी लाभ होने जा रहा है, जो व्यक्ति धर्म गुरु हैं उनको काफ़ी लाभ होने जा रहा है, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में है विदेश जा सकते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में है और इंडिया में पोस्टिंग है वो भी विदेश जा सकते हैं, बड़ा ही अच्छा समय है। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय, ये समय भाई से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है, पड़ोसियों से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है, श्रृंगार का जो काम करते हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, ब्यूटी पार्लर जो चलाते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो बुटीक का दुकान करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं उनके लिए शानदार समय है। तो धनु राशि वाले, आज का दिन आपके लिए
अच्छा दिन है, बुरा दिन नहीं है, लेकिन यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं करनी है और किसी पर भी विश्वास आज के दिन नहीं करना है। मंगल ट्रांजिट कर चुके हैं, मंगल आपके चले गए हैं सप्तम स्थान पर, मिथुन राशि में दाम्पत्य जीवन से थोड़े से तनाव रहेंगे, आप भी गुस्से में रहेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और शुभ अंक है आपके लिए 4। आज के दिन आप सबसे पहले गणेश जी का पूजा करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ावे, मोदक चढ़ावे और साथ में 108 नाम का गणेश जी का जाप करें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही साथ किसी भी ब्राह्मण को आज एक सफ़ेद धोती दान करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, बड़ा ही सुंदर समय है आपका। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं जिसके स्वामी मंगल छठे स्थान में आ गए हैं। मंगल आपके मिथुन राशि में आज ट्रांजिट कर चुके हैं सुबह 5:03 पर। चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे 8:21 पर। बृहस्पति आपके तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, धार्मिक काम में काफ़ी आपको दिलचस्पी रहेगी। 8:21 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में जिसके स्वामी शनि हैं आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। काफ़ी धन की प्राप्ति होगी आज, पैटर्नल प्रॉपर्टी से काफ़ी लाभ होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी काफ़ी संचित कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर वाले के लिए काफ़ी अच्छा समय है, जो व्यक्ति विशेष करके फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छा समय है। वाणी में थोड़ी सी तलखी रहेगी, वाणी आदेश देने वाली वाणी आप बोलेंगे। पिता का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, माता के स्वास्थ्य से थोड़ी सी परेशानी है लेकिन उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्राओं का योग है, यात्रा से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। 8:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होगा, लेकिन जो व्यक्ति वकील हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है, सेना में है, आपके लिए समय अच्छा है। 12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय एजुकेशन सेक्टर वाले को काफ़ी लाभ होगा, लेकिन ये लाभ बहुत ही स्लो गति में होगा जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय, ये समय भी काफ़ी अच्छा है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जो धर्म गुरु है, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। बिजनेस के टूर में आप बाहर जा सकते हैं जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। खास करके महिलाओं के लिए समय काफ़ी अच्छा है, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, जो ब्यूटी का दुकान करती हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, आज के दिन नया गाड़ी, नए घर खरीदने की प्लानिंग बना सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। मकर राशि वाले, आपके लिए शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है आपके लिए 5। आज के दिन आप गणेश जी का सबसे पहले 108 नाम का जाप करें और हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें, साथ में बजरंग बाण का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें आज के दिन। सर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम त्वम कार्यम अश्वत्थ वैरी विनाशनम। सर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम त्वम कार्यम अश्वत्थ वैरी विनाशनम। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए आपके दशम स्थान पर वृश्चिक राशि में और चंद्रमा 8:21 तक बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हुए हैं द्वितीय स्थान पर, काफ़ी अच्छा समय रहेगा। 8:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, शनि देव बैठे हुए हैं आपके लग्न में, शनि मंगल के नक्षत्र में, मंगल पंचम में बैठे हुए हैं, बहुत ही शानदार समय रहेगा आपका। जमीन जायदाद के लिए बहुत ही अच्छा समय है। मंगल आज के दिन ट्रांजिट करके मिथुन राशि में चले गए हैं 5:03 सुबह में, तो समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहे हैं। जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना है, पुलिस में है, सेना में है, रेलवे में है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, आपका आदेश काफ़ी कड़ा कड़ा आदेश रहेगा, काफ़ी स्वाभिमानी आज के दिन आप रहेंगे। 8:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। संतान के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जो पुलिस सेवा में उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जो तकनीकी दृष्टि से माहिर है उनके लिए अच्छा है, इंजीनियरिंग सेक्टर वाले के लिए काफ़ी अच्छा समय है।
12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय जो व्यक्ति स्कूल चलाते हैं उनके लिए शानदार समय है। जो व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं शानदार समय है। जो व्यक्ति पत्रकार बंधु हैं आपके लिए शानदार समय है। जो व्यक्ति इंश्योरेंस का काम करते हैं बड़ा ही शानदार समय है। जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं बड़ा ही शानदार समय है। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय, ये समय विदेश जाने का आपका बड़ा ही परफेक्ट समय है। विदेश से अच्छे अच्छे समाचार सुनने का परफेक्ट समय है। जो व्यक्ति योग गुरु हैं उनके लिए परफेक्ट समय है। तो ये समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय, ये समय पड़ोसियों से आपको काफ़ी लाभ होगा। विदेश के छोटे मोटे आप यात्रा कर सकते हैं, अगल बगल पड़ोसी देशों की यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन इस समय थोड़ा सा महिलाओं को सोच समझ के चलना होगा, जो फिल्मों में काम करती हैं, बिचौलियों से आपको बचना होगा। जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, चाहे जो फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, चाहे जो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, ब्यूटी का काम करती हैं, थोड़े से बिचौलियों से आपको बच के रहना होगा, गुप्त शत्रु से आपको बच के रहना होगा। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय अच्छा समय है। हर तरफ से आपको लाभ होगा। आज के दिन कुंभ राशि वाले आपके लिए हरा रंग सर्वश्रेष्ठ रंग है और आपके लिए 2 अंक सर्वश्रेष्ठ अंक है। आज के दिन हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ जरूर करें, गणेश जी का 108 नामों का जाप जरूर करें और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, जो आपके नवम भाव की राशि और चंद्रमा 8:21 सुबह तक रहेंगे। बृहस्पति के नक्षत्र में बृहस्पति बैठे हुए आपके लग्न में मान सम्मान काफी बढ़ा हुआ रहेगा, काफी बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे। 8:21 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, शनि आपके बाढ़ में बैठे हुए हैं, शनि मंगल के नक्षत्र में है, समय अच्छा नहीं होगा आपका। स्वास्थ्य पर ध्यान देने होंगे आपको, आंख में प्रॉब्लम रह सकता है आपको, झंझट राय से आपको दूर रहना होगा। मंगल ट्रांजिट कर चुके हैं 5:03 में आज के दिन मिथुन राशि में, जो आपके चतुर्थ भाव की राशि है, माता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मंगल आपके मंगल के ही नक्षत्र में है, मंगल आपके स्वामी हैं, आपके द्वितीय स्थान के मंगल आपके स्वामी है भाग्य स्थान के, तो भाग तो बढ़ा हुआ रहेगा। माता से धन का लाभ भी होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी में भी लाभ होगा। जो रियल एस्टेट में काम करते हैं आपको भी काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति पुलिस में है सेना में है आपको भी काफ़ी लाभ होगा। 8:30 AM से लेकर 12:10 PM तक का समय, ये समय कहीं से अच्छा नहीं है आपका। हर काम को सोच समझ के करें, आंख में तकलीफ होगी, आंख के डॉक्टर से जरूर मिलें आप, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें आप। 12:10 PM से लेकर 3:34 PM तक का समय, ये समय खर्च ही खर्च का समय है। इनकम नहीं होगा, केवल खर्च होंगे। स्कूल के व्यापारी को भी नुकसान हो सकता है। जो व्यक्ति पत्रकार हैं आपके लिए अच्छा समय नहीं है। जो व्यक्ति फाइनेंस से जुड़े हुए हैं आपके लिए भी अच्छा समय नहीं है। जो व्यक्ति कैश क्रॉप से जुड़े हुए हैं आपके लिए भी अच्छा समय नहीं है। 3:34 PM से लेकर 5:01 PM तक का समय, ये समय आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं है। वाहन सावधानी से चलावें, इस समय वाहन चलाने में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। परेशानियों को कोई नज़रअंदाज आप न करें, तंत्र मंत्र में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा इस समय आपको। 5:01 PM से लेकर 9:01 PM तक का समय, ये समय पैटर्नल प्रॉपर्टी से थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। ज़्यादा सामान आप परचेज कर सकते हैं, नए गाड़ी खरीदने के प्रोग्राम बना सकते हैं, खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी। किसी भी अनैतिक संबंध को इस समय बढ़ावा न दें, अनैतिक संबंध आपके लिए काल बन जाएगा। मीन राशि वाले, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अंक है पीला और सर्वश्रेष्ठ अंक है आपके लिए 9। आज के दिन शिवालय जाएं और शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध, उसमें थोड़े से आप केसर मिला दें और धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ावें और इस मंत्र का जाप करें। ओम जुं शं मा पाले पाले, ओम जुं शं मा पाले पाले, ओम जुं शं मा पाले पाले।
तथा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीता राम। जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीता राम। आज के दिन आप किसी भी अंधे के स्कूल में, चाहे किसी लंगड़े को, अंधे को एक टाइम का खाना खिलावे, काफी लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। राशिफल की श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।